हमारी शिक्षा प्रणाली पर 10 सालों में बीजेपी आरएसएस के लोगों ने कब्जा कर लिया है। प्रोफेसर्स, एनसीईआरटी, सीबीएसई सब में आरएसएस का कब्जा है और अच्छे विचार वालों को वहां पर कोई जगह नहीं है। एक बार स्थान ग्रहण कीजिए। कोई गरीब है उसमें? स्थान ग्रहण कीजिए उसमें। स्थान ग्रहण कीजिए। पिछड़ा है उसमें? आप देखिए, स्थान ग्रहण कीजिए। ये विचारधारा जो है देश के लिए, उनकी विचारधारा खतरनाक है, इसलिए मैं चाहता हूँ। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कहा है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है और उसे एक्सपंज करना चाहिए। आरएसएस के लोगों ने उचका कर, गोडसे को उचका कर महात्मा गांधी की हत्या की। ये जो वक्तव्य इन्होंने दिया सर, ये निंदनीय है और ये तथ्यों से परे है और इसको एक्सपंज करना चाहिए। हमारी शिक्षा प्रणाली पर 10 सालों में बीजेपी आरएसएस के लोगों ने कब्जा कर लिया है। यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, एनसीईआरटी, सीबीएसई सब में आरएसएस का कब्जा है और अच्छे विचार वालों को वहां पर कोई जगह नहीं है। खुद मंत्री जी, दिस पार्ट खुद मंत्री जी, खड़गे जी, दिस पार्ट विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। विचारधारा से आते हैं खड़गे जी, दिस पार्ट विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। मैं कहूंगा सीएम को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक बार खड़गे जी, इसको मैं एक्सपेंस भी कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ इस पार्ट को और क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ बता रहा हूँ। देखो साहब, नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं आप अपॉइंटमेंट का लिस्ट ला गए। नहीं आप सेक्रेटरिएट में कितने भरे हैं, सुनिए, वीसी के कितने लोग हैं, किन किन जाति के लोग हैं, एक और प्रोफेसर किन जाति के हैं, एक बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितने हैं, एक बार आप लाओ लिस्ट, एक बार स्थान ग्रहण कीजिए। कोई गरीब है उसमें? स्थान ग्रहण कीजिए उसमें। स्थान ग्रहण कीजिए। पिछड़ा है उसमें? आप देखिए, स्थान ग्रहण कीजिए। ये बात मैं कर रहा हूँ, मेरे इस बात को अगर आप ठुकराते तो मेरा कोई आपका ये नहीं। क्या किसी संस्था का सदस्य होना अपराध है? क्या आप यही कर रहे हैं? आप कब्जे जैसे शब्द का उपयोग कर रहे हैं, कैसे अलाउ कर सकता हूं? आप कह रहे हैं एक संस्था ने कब्जा कर लिया, बिल्कुल गलत है। मान लो कोई व्यक्ति आरएसएस का सदस्य है तो क्या ये अपने आप में अपराध है? किस बात का क्रिमिनल है? एक संस्था है, राष्ट्र का कार्य कर रही है, राष्ट्रीय भी कार्य कर रही है, देश और दुनिया में प्रमाणित लोग हैं, देश के लिए योगदान दे रहे हैं, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आज के दिन उनमें योग्यता देख सकते हैं आप। दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड, प्लीज कंटिन्यू। ये विचारधारा जो है देश के लिए, उनकी विचारधारा खतरनाक है, इसलिए मैं चाहता हूं। ये मनुवादी है, ये मनुवादी है, इसलिए इन लोगों को यहां पर जगह नहीं है। ये मनुवादी है, वो स्त्रियों को शिक्षण देना नहीं चाहते, दलितों को शिक्षण नहीं देना चाहते, संस्कृत नहीं पढ़ने देते। ऐसे लोगों को अगर यहां पर जगह मिली, चुन चुन के अगर आप डाले, तो ये देश में एजुकेशन सिस्टम खत्म और संविधान का उद्देश्य भी आप खत्म। खड़गे जी, एक सेकंड, ये मेरा राय, ये मेरा विचार है। आप कोई भी शिक्षा दो, मैं लेने के लिए। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कहा है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है और उसे एक्सपंज करना चाहिए और इनको इनको जरा भी जानकारी संगठनों के बारे में नहीं है, उसे एक्सपंज करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इट इज ऑलरेडी एक्सपंज्ड।